यो व्हाट इज़ अप गेमर्स, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो गाइज, आप लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देखा होगा कि फ्रैंकलिन ने एक नया कार बाय किया था, जो कि है स्पोर्ट्स कार OB95। तो आज माइकल भी आ चुका है यहाँ पर, और माइकल के घर में हम आ चुके हैं, और ये अभी जूस पीने जा रहा है किचन की तरफ। तो चलते हैं जूस पीने। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं अमांडा अपनी नौकरानी को बता रही है कि मैं तुझे देख रही हूँ, जल्दी से काम कर। तो ऐसे सब घर में चलता है। तो यहाँ पर अभी चलता हूँ मैं और जूस पीता हूँ, और चलता हूँ अपने जो कार है, जो कि रेंज रोवर टाइप दिखती है लेकिन है नहीं, उसे चला के देखते हैं कैसी चल रही है। तो अभी मैं चलता हूँ बाहर की तरफ। और अगर आप चैनल में नए हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल में को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं अभी चलता हूँ बाहर की तरफ और देखते हैं कैसा है हमारा कार। तो गाइज, अभी बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि फ्रैंकलिन ने बताया कि बहुत अर्जेंट काम है उसे, तो जल्दी से जल्दी उसके घर पर चलना है मुझे। तो मैं अपना रेंज रोवर कार को लेके चलता हूँ उसके पास। तो मुझे जल्दी से जल्दी चलना पड़ेगा, चलने से काम नहीं देगा, दौड़ना पड़ेगा। तो मैं अभी चलता हूँ, तो यहाँ पर से कार में बैठ के चलता हूँ गाइस। और कार को मैं लॉक किया है, तो खोलना पड़ेगा, जल्दी से खोलता हूँ। तो टाइम इतना नहीं है, तोड़ना ही पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर से मैंने तोड़ दिया कार, और चलते हैं गाइस जल्दी से जल्दी, क्योंकि फ्रैंकलिन ने बहुत अर्जेंट बुलाया है हमें। तो मैं चलता हूँ इधर, और गेट जल्दी खुल जाए तो अच्छा है। जल्दी खुल जा, खुल जा भाई, जल्दी जल्दी, फ्रैंकलिन ने बुलाया है। तो मैं अभी चलता हूँ, और फ्रैंकलिन तो इधर ही आ गया, इतने अर्जेंट काम था तो जल्दी ही आ गया होगा। तो मैं पूछ लेता हूँ क्या काम है। तो इसे मैं कार में बैठा देता हूँ, क्योंकि ये पर्सनल काम भी है। तो गाइस, अभी फ्रैंकलिन कार में बैठने के लिए आ रहा है, और उसे पूछ लेता हूँ क्या काम है। तो फ्रैंकलिन ने बोला था मुझे कॉल में कि ये पर्सनल काम है और बहुत अर्जेंट काम है। तो मैं उसे अभी पूछ लेता हूँ, और कार चलाते चलाते भी बात कर लेता हूँ। तो ये फ्रैंकलिन क्या बोल रहा है, मैं उसे पूछ के आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइज, अभी फ्रैंकलिन ने पूरा बात बता दिया क्या क्या है। तो आज ये फिल्म स्टूडियो में अक्षय कुमार शूटिंग के लिए आए हैं, और हमें उनकी कार को चोरी करना है। हाँ गाइज, उनके कार, फिल्म स्टार सुपरस्टार अक्षय कुमार का कार चोरी करना है हमें। तो इसीलिए फ्रैंकलिन ने बोला कि उनका बहुत अर्जेंट काम है, वो बस 2 घंटे के लिए इधर आए हैं, फिर चले जाएंगे इंडिया। तो अभी तो फ्रैंकलिन बोल रहे हैं उसे कुछ काम है, इसलिए वो नहीं आ सकते। तो मैं चलता हूँ पहले एमुनेशन के स्टोर में, जो कि अभी मैं पहुँच चुका हूँ। और एमुनेशन के स्टोर से अभी मैं 2-4 गन बढ़िया बढ़िया सा खरीद लेता हूँ, फिर मैं चलूँगा फिल्म स्टूडियो, और वहाँ से हम चोरी करेंगे अक्षय कुमार का कार। तो वो आसान नहीं है, बहुत सिक्योरिटी गार्ड होंगे, इसलिए मैं गन खरीद लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर से 2-4 गन देख लेता हूँ, जो कि बहुत अच्छा देगा, मतलब अच्छा डैमेज देगा। तो यहाँ पर से मैं 2-3 गन देख लेता हूँ, और उसे बाय कर लेता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइज, अभी मैंने यहाँ पर से 2-3 शॉट गन और या एसॉल्ट राइफल ख़रीद लिया है। तो अभी मैं मैप में दिखा देता हूँ कि हमें कहाँ जाना है। तो यहाँ पर फिल्म सिटी तो इस तरफ है, यहाँ पर है जो कि मूवी थिएटर है, और अभी यहाँ पर हमें जाना है फिल्म सिटी इधर है। तो मैं अभी यहाँ पर चलता हूँ, गाड़ी में बैठना पड़ेगा मुझे, और चलना पड़ेगा उस तरफ। तो बोलना पड़ेगा गाइस, फ्रैंकलिन बहुत ही अच्छा है, वो सोचा कि स्पोर्ट्स कार मैंने तो खरीद लिया, लेकिन माइकल ने नहीं खरीदा था, इसलिए उसने हमें बता दिया है। और फ्रैंकलिन जो है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे बहुत अर्जेंट काम था। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ फ्रैंकलिन के बताए हुए फिल्म सिटी में। तो यहाँ पर मैं फिल्म सिटी में पहुँच चुका हूँ, और अभी यहाँ पर से मुझे जाना है अंदर। और यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं दिख रहा, लगता है गेट को तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं अभी चलता हूँ गेट को तोड़ के, और यहाँ पर से अंदर जाते हैं, और यहाँ पर मैं अंदर चलता हूँ गाइस। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है,
तोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर से मैंने तोड़ दिया गेट और अभी मैं चलता हूँ अंदर, तो मुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी नहीं तो अक्षय कुमार कार लेके चला ही जाएगा। तो यहाँ पर से मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर से मैं कार पार्क कर लेता हूँ। तो फ्रैंकलिन ने यह भी बताया था कि कार जो कि अक्षय कुमार का है वो बहुत ही सुपर डीलक्स कार है, उसमें बहुत सारा आगे से मॉडिफिकेशन करा हुआ है। तो अभी मैं अपना कार को लॉक कर देता हूँ और अभी मैं चलता हूँ जो कि है ढूंढने चलता हूँ। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हमें, बस पता है एक फिल्म सिटी के अंदर है। तो अभी मैं चलता हूँ। और हाँ गाइज, मैंने गलती कर ली, मैं अपना फेस मास्क जो कि अभी पहनना भूल गया हूँ। और ये पुलिस क्यों आ रही है? तो हाँ गाइज, पुलिस भी पहचान लेगी हमें, तो मैं पहले जल्दी से फेस मास्क पहन लेता हूँ। तो गाइज, अभी पुलिस ने पूछा मुझे कि इतना जल्दी में क्यों हो, गेट क्यों तोड़ा, तो मैंने बोल दिया कुछ ऐसा वैसा। तो अभी मैं चलता हूँ और अंदर की तरफ देखते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारा शूटिंग चल रहा है, तो वहाँ पर देख सकते हैं एलियन का गेटअप पहन के कोई कोई है। और यहाँ पर बहुत सारा जो कि है बस जैसे टाइप का कुछ है। तो यहाँ पर बेसिकली इन लोग का जो कि शूटिंग करने आते हैं उनका मेकअप वेकअप होता है। और यहाँ पर से बहुत सारा भैंस है यहाँ। तो यहाँ पर तो आसपास कहीं गाड़ी नहीं दिख रही, मैं थोड़ा आगे चल के देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भी हैं। तो गाइस, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दिख रही है मुझे रेड कलर की कार, तो यही है अक्षय कुमार की कार, आप देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पुलिस वाले FIB के बंदे भी हैं गाइस। रुको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं चारों ओर बस ऑफिसर्स ही ऑफिसर्स। तो मैं अभी रास्ता ढूंढता हूँ कहाँ से जाना है। तो गाइस, मैं अभी पीछे के रास्ते से आ गया हूँ और मैं इनको पीछे के तरफ से मार्केट जाने वाला हूँ। तो गाइस, मैं अभी पीछे की तरफ आ चुका हूँ। मैं किधर आ गया हूँ आप लोग को अभी दिखाता हूँ। थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, छुप छुप के जाना पड़ेगा नहीं तो वो लोग देख लेंगे। तो मैं अभी दिखा देता हूँ, बस थोड़ा आगे जाना है मुझे। तो अभी आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं मैंने उन लोग के सामने वाली बिल्डिंग के नीचे आ चुका हूँ मैं अभी। और यहाँ पर से मैं अभी गन निकाल लेता हूँ और यहाँ पर से पब्लिक भी चिल्लाने शुरू हो गई। तो यहाँ पर से मैं देख लेता हूँ। तो गाइस, अभी मैं इन लोग को मारता हूँ और ये मेरे मारने से पहले ही इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई थी। तो कोई बात नहीं गाइस, अभी मैं इन लोग को मार चुका हूँ और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं इधर, सबको मारना पड़ेगा। तो गाइस, अभी मैं सबको मारना पड़ेगा, मैं पहले कवर में चले जाता हूँ नहीं तो मुझे भी गोली लग सकती है। तो यहाँ पर से एक ऑफिसर और है, इसे ही मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लगभग सभी ऑफिसर को मार चुका हूँ, FIB के बंदे भी थे, बहुत सारे थे, तो मैंने इसे भी मार दिया है। तो अभी मैं चलता हूँ आगे के तरफ और दिखाता हूँ आप लोग को आगे क्या क्या है। तो यहाँ पर और भी ऑफिसर्स हो सकते हैं जो कि छुपे रह सकते हैं। और यहाँ पर हैं जो कि दो हैं, इन लोग को पता भी नहीं चला मैं कब आया, तो इन लोग को मार देता हूँ। ओ भाई, इधर किधर देख, कहाँ रहे और कौन मार कौन रहे? अरे इधर ही है टकला, इसको तो ये टकला। तो अभी मैंने ये सबको मार लिया और एक बचा है अभी, जिसको तो अभी तक पता नहीं चला कि मैं यहाँ पर सब मार चुके हैं, किधर देख कहाँ रहे हैं। तो उसके पास में जाके मैं मारता हूँ। ओ भाई, किधर देख कहाँ रहे, हंस रहे या क्या कर रहे पता नहीं, ले मर गया ना। तो यहाँ पर से और कोई बचा नहीं है ना, फिर से कहाँ उठ रहा है, ये ले मुँह में ले, अभी मर गया है। तो अभी यहाँ मैं देख लेता हूँ आसपास, और वहाँ कोई ऑफिसर है ना, एम करके देखते हैं, उसको थोड़ा खोल के देख लेते हैं, वो उसको मारना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लगभग सबको मार लिया है, अब कार देखने की बारी है। ये मुझे लग रहा है लैम्बोर्गिनी उरुस है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लैम्बोर्गिनी उरुस ही है। कार में बैठ जा रहा हूँ। अरे गाइस, ये क्या हो गया, कार में बैठते ही 2 स्टार की पुलिस लग गई है, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा नहीं तो पुलिस वाले ये कार को डैमेज कर सकते हैं। और माइकल के पास इतना पैसा नहीं है कि कार को भी अभी के अभी लॉस सेंटोस कस्टम में जाके मॉडिफाई कर दें। तो मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे भागना है, नहीं तो पुलिस चेस कर देंगे और पता कर सकते हैं कि माइकल किधर रहता है। और हाँ गाइस, फाइनली हम एस्केप कर चुके हैं फिल्म सिटी से।
और माइकल का चेहरा तो वैसे ही ढका हुआ है तो कोई पता नहीं चलने का। और अभी तक पुलिस मेरे पीछे आ रही थी लेकिन शायद उनका कनेक्शन ये हो गया, पता नहीं चल रहा है। फिर भी दो स्टार की पुलिस अभी भी दिखा रही है तो हमें चलने जाना है यहाँ पर से। तो मैं अभी बीच की तरफ चलता हूँ और वहाँ पर जाके आप लोग को दिखा देता हूँ कार कैसी दिख रही है। टाइम ही नहीं मिला कार दिखाने का तो मैं अभी चलता हूँ। और कार तो चल रही है मक्खन की तरह, देख सकते हो 180 140 सीधा स्पीड पकड़ लेती है कार। और यहाँ पर देख सकते हो पुलिस से लगभग पीछे छूट चुका है हमारा। तो मैं यहाँ पर कार को ड्रिफ्ट करके पार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस कार कैसी दिख रही है। और यहाँ पर देख सकते हो, और हाँ गाइस पुलिस से फाइनली पीछा छूट चुका है हमारा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कार का स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हो उरुस 2021, कौन सी मस्त गाड़ी नहीं है यहाँ पर से, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी आज तक मैंने नहीं देखी। और यहाँ पर देख सकते हो खिलाड़ी लिखा, और यहाँ पर देख सकते हो रेड कलर का स्मोक निकल रहा है यहाँ पर से। मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं खिलाड़ी, मतलब अक्षय कुमार की कार में खिलाड़ी लिखा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर का स्मोक निकल रहा है टायर से, और क्या चाहिए कार में, तो मस्त कार है। तो इसे मैं लेके चलता हूँ अपने घर में, माइकल के घर में। तो वहाँ पर का मैं मार्क लगा लेता हूँ मैप में, तो ये वाला है घर मुझे जहाँ तक पता यही है। तो यहाँ पर तक मैं मार्क लगा लेता हूँ, पास ही है। तो यहाँ भी मैं चलता हूँ माइकल के घर में, और गाड़ी का बस लुक देखते जाओ। और यहाँ पर चलते हैं गाइस, ज़बरदस्त कार है। और पुलिस वालों ने पीछा छोड़ दिया है लगभग मुझे जहाँ लगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर अभी गया मेरे सामने से, और सामने भी बहुत सारे पुलिस हैं, मुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो सामने मैं जाके देख लेता हूँ कितने सारे पुलिस हैं। और ये कार तो संभलती भी नहीं, स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर से मैं थोड़ा साइड में होकर देख लेता हूँ, पुलिस तो भरपूर है यहाँ, शक हो जाएगा उनको यही कार थी। तो मैं अभी साइड से ये जो शॉपिंग एरिया है इस तरफ से चल के मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ। यहाँ से मैं रास्ता है तो मैं चलता हूँ गाइस इस तरफ से, तो इस तरफ से रास्ता है तो यहाँ पर से मैं चलता हूँ। और यहाँ पर तो बहुत भीड़ है, कोई बात नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर से मैं बाहर आ चुका हूँ और मैं अभी चलता हूँ माइकल के घर। और हाँ गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आए ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ाना पोस्ट करता हूँ, तो इसलिए चैनल में जल्दी से सब्सक्राइबर्स कर दीजिए। और 200 सब्सक्राइबर्स से मैं बहुत करीब हूँ, चैनल बहुत जल्दी पहुँच जाएगा 200 सब्सक्राइबर। तो अभी गाइस मैं पहुँच चुका हूँ, लगभग पास में ही है माइकल का घर, हाँ गाइस पास में ही है। और फ्रैंकलिन के पास भी कार हो चुकी है, माइकल के पास भी कार हो चुकी है, लेकिन अभी तक माइकल के पास बहुत सारा पैसा नहीं आया, जो कि फ्रैंकलिन के पास $5,00,000 हैं, समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा होता है $5,00,000। और वहाँ पर से तो $3,00,000 कार और एक बाइक खरीदने में चली गई। और हाँ गाइस माइकल के पास एक भी अच्छी सी बाइक नहीं है, और तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि माइकल कौन सा बाइक खरीदेगा, तो मैं और एक एपिसोड में वही बाइक इंपोर्ट करूँगा या फिर खरीद लूँगा। तो हाँ गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। और माइकल का घर बस आगे से राइट टर्न में है, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।